आपने आंधी के दौरान बिजली को कड़कते हुए अवश्य देखा होगा, जिससे आपको विद्युत की शक्ति का भी एहसास हो गया होगा। बिजली का चमकना अचानक होता है और ये आकाश और धरती के बीच में बिजली का भारी उछाल है। बस एक बिजली के चमकने से निर्माण होने वाली ऊर्जा से एक छोटे से शहर के पूरे दिन की बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। विद्युत हमें प्राप्त बहुमुखी ऊर्जा का स्रोत है और यह नया भी है। 100 से भी अधिक सालों से यह घर और व्यवसाय की जगहों पर इस्तेमाल होते आ रहा है। भूतकाल में भी विद्युत ऊर्जा ने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पर भविष्य में ये एक अलग भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारी इमारतें स्वयं के लिए सौर ऊर्जा सेल के जरिए या पवन पर चलने वाले टरबाइन द्वारा अक्षय विद्युत ऊर्जा की निर्मित करते हैं। चलिए अब इस विद्युत ऊर्जा के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। विद्युत ऊर्जा एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो एक जगह तैयार होती है और एक जगह से दूसरी जगह पर बहती हुई जा सकती है। जब विद्युत ऊर्जा एक जगह एकत्रित होती है तब उसे स्थिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं, अर्थात जो गतिमान न हो, और जो विद्युत शक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है उसे प्रवाही विद्युत शक्ति कहते हैं। हमने स्थिर विद्युत के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, चलिए अब हम प्रवाही विद्युत शक्ति के बारे में समझते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तब वे विद्युत शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, इसे ही प्रवाही विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा कहा जाता है। बिजली का कड़कना भले वो अधिक समय तक नहीं होता है, फिर भी हम उसे विद्युत प्रवाह के उत्तम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। विद्युत प्रवाह का उपयोग हम अनेक घरेलू उपकरणों को चलाने के लिए करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन से फ्लैशलाइट्स तक और टेलीफोन से लेकर MP3 प्लेयर तक। ये विद्युत प्रवाह लंबे समय तक रहते हैं। जो विद्युत ऊर्जा विद्युत सेल में होती है वो विद्युत के विभव ऊर्जा का उदाहरण है। जैसे हम विद्युत सेल द्वारा निर्मित ऊर्जा से टॉर्च भी लगा सकते हैं। जब हम टॉर्च जलाने के लिए बटन दबाते हैं तब उसके अंदर प्रस्तुत विद्युत सेल बल्ब को विद्युत ऊर्जा देना प्रारंभ करती है, जिससे वो जल उठता है। जब जब हम बटन दबाते हैं तब तब विद्युत सेल से बल्ब तक विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाता है। धीरे धीरे विद्युत सेल में संग्रहित ऊर्जा बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा में परिवर्तित होती जाती है। इसी कारण विद्युत सेल के बार बार इस्तेमाल के कारण वो खत्म हो जाती है और काम करना बंद करती है। विद्युत आवेश। विद्युत की कहानी की शुरुआत हमेशा आवेश से होती है। इसी कारण परिपथ अर्थात सर्किट की ओर जाने से पहले क्यों ना कुछ मूलभूत विषय के बारे में जान लिया जाए, और वो है विद्युत आवेश का व्यवहार। इसके साथ साथ आवेश और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा, इन सब के बीच क्या संबंध है ये भी जान लेते हैं। आवेश असतत परिमाण है और वो ऊर्जा के समान हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश की इकाई कूलॉम है और आवेश के सबसे छोटी इकाई का विस्तार 1.6×10⁻¹⁹ होता है। दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक विद्युत आवेश और ऋणात्मक विद्युत आवेश। सारे इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है और सारे प्रोटॉन में धनात्मक विद्युत आवेश होता है। वो अणु या परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन के सम संख्या के घटाने या बढ़ने से समस्त विद्युत आवेश मिलता है, उसमें हमेशा कुछ धनात्मक या कुछ ऋणात्मक पूर्णांक रहता है, जिसे ई से गुणा जाता है। सामान्यतः अधिकतर वस्तुओं में समान संख्या में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश रहते हैं, इसी कारण वे विद्युत तटस्थ होते हैं। हालांकि कभी कभी वस्तु को कुछ आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन या आयनों के मिलाने से या घटाने से आवेशित किया जा सकता है। जब हम किसी वस्तु को उसमें अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन जोड़कर ऋणात्मक करते हैं तब वे इलेक्ट्रॉन्स हम किसी ऐसी वस्तु से ले रहे होते हैं जो धनात्मक आवेशित हो जाती है। इस प्रकार कुल आवेश को संरक्षित किया जाता है, उसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। हम पाइप को उसे बिना छुए या बिना फूंक मारे भी गतिशील कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी आवेशित पाइप को उसके पास रखना होगा। पाइप में प्रस्तुत आवेश एक क्षेत्र के जरिए प्रभाव तैयार करता है, वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं या एक दूसरे से दूर हो जाते हैं।
इसी आधार पर अपने आप को संतुलित करते हुए पाइप गतिशील होता है। भौतिकी शास्त्र में क्षेत्र का उपयोग क्रिया बल या फिर दूरी का वर्णन करने के लिए होता है। धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण हम हमेशा एक प्रकार के बल का अनुभव करते हैं, भले ही हम धरती के साथ साक्षात संपर्क में क्यों न हो। इसी कारण हम हमेशा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र में जकड़े रहते हैं। दूरी पर स्थित द्रव्यमान के आपसी आकर्षण के कारण यह संभव हो पाता है। विद्युत आवेश भी दूरी से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं या फिर दूर जाते हैं, और ये सब वे विद्युत क्षेत्र के जरिए करते हैं।